15 अक्टूबर वर्ष 1997 मिजोरम में रह रहे रियांग जनजाति, जिनको हम ब्रू जनजाति के नाम से भी पहचानते हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा ब्रू जनजाति मिजोरम के कालाशिप, मामित, लेंगलाई और लॉन्गथलाई में वर्षों से रह रहे थे। मिजोरम के सभी ब्रू जनजाति झूम खेती पर ही निर्भर हैं। सदियों से मिजोरम में रहने के बावजूद एक भी बांस या पेड़ काटने तक की इजाज़त नहीं थी इन्हें, और साथ ही वे शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित, यातायात जैसे कई सुविधाओं से भी वंचित थे। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन ब्रू जनजाति को मतदान, जो कि संवैधानिक अधिकार है, देने तक की इजाज़त नहीं है। 29 अप्रैल वर्ष 1972 मिजोरम में भारत के संविधान के 6th शेड्यूल के तहत 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन हुआ था। माराओ के लिए मारा एडीसी, लाइयो के लिए लाई एडीसी और चकमाओ के लिए चकमा एडीसी। इन तीनों एडीसीओ को देख मिजोरम के ब्रू जनजातियों ने भी भारत के संविधान के तहत मामित डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सबसे अधिक ब्रू जनसंख्या है, इसको ब्रू एडीसी बनाने की मांग करने लगे। तभी जल उठा मिजोरम में मिजो और ब्रू के बीच आग। इस आग में 15 अक्टूबर वर्ष 1997 में 5,407 परिवारों से भी अधिक, लगभग 40,000 ब्रू जनजाति को मिजोरम से बेघर कर दिया गया। घर और खेतों को जला दिए जाने और कई यातनाओं से प्रताड़ित करने के कारण त्रिपुरा के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के कंचनपुर में आकर बसने लगे। कंचनपुर के आनंद बाजार और गोशीराम पारा में यह ब्रू जनजाति साथ शरणार्थी शिविर में रहने लगे। वर्ष 1997 से लेकर 2018 तक बार बार भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस पीपल फोरम के कई बैठक हुए। उन बैठकों के नाकाम कोशिशों के कारण अब तक केवल 10,000 ब्रू को ही मिजोरम वापस भेज सके। आशापारा और नाइशिंगपारा को लेकर सभी 7 शरणार्थी शिविरों पर सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया राशन और अन्य सहायक सामग्री उनके लिए पर्याप्त नहीं थे। सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी आदि के अभावों से नाखुश है ब्रू जनजाति। इससे भी ज़्यादा समस्या बयान किए गए हैं ब्रू जनजातियों द्वारा। मिजोरम से आने के बाद उनकी नई पीढ़ियों की ना तो मिजोरम की, ना तो त्रिपुरा की और ना ही भारतीय नागरिकता प्राप्त है। भारत सरकार से मिलने वाले राशन में 1 किलो चावल और 5 रुपये प्रति व्यक्ति दी जाती है, लेकिन इससे भी वंचित है इनकी नई पीढ़ी। हालत बदते से बदतर बनते जा रहे हैं। ना शिक्षा, ना परिवार संयोजन, ना ही साफ सफाई जैसे साधारण जानकारी। इन सभी अभावों के कारण आज इनकी दयनीय दशा है। अब तक शिविर के किसी भी परिवार का बैंक में खाता नहीं है, ऐसा उनका बयान कहता है। हाल ही में भारत सरकार, मिजोरम सरकार, त्रिपुरा सरकार और मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस पीपल फोरम के बीच इन ब्रू जनजातियों को वापस मिजोरम भेजने के समझौते को लेकर नाखुश हैं अधिकांश शिविर में रह रहे ब्रू जनजाति। 21 वर्षों से रह रहे शिविर के बुजुर्गों ने भी कहा है, जिस मांग को लेकर जिंदगी के अधिकांश वर्ष बीत चुके, इन संवैधानिक अधिकारों के ना मिलने तक वे मिजोरम वापस नहीं जाएंगे। चुने अब रंगने प्रश्नले क्रुई रंगनले चुने खतुमया जिनि ब्रु जाति छोंहांग मदे चुंफो हा से नामले हा पुरवे फदिस्ति कांसि छाइम अब नो मयाले चुने खतुमया मिजोरम थाने माले लेके थमनी चिन नो थाइक्री हु थाइक्री तों थाइक्री छा थाइक्री ब्रेक थमे ना। इसी मांग को लेकर गोशीराम शिविर में रह रहे रचना जोय रियांग 11 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे कहते हैं संवैधानिक अधिकार
ना मिलने तक वे आमरण कोशिश करेंगे और तब तक अधिक रहेंगे जब तक न्याय अधिकारी ना मिल जाए। जखन से नहीं एग्रीमेंट किए जिंग नाय हा क्या बोले थंगमोंग या बो ये हम मैचे ये तुम था के चिन जातीन बक पांडा वो थंगमेन मकरे थंग ये क्या मी निजाम जेपो सिंगवाया न पाय हा के आर वो सिंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब मैं या के थंग या हा हाँ मैं के थंग या फिर उसी या मैं के बला न थी तो सिर्फ रसना जो ही नहीं उनकी सभी बेटियां भी उनके पिता के दिखाए रास्ते पर चलने को आतुर हैं और जब तक भारत सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करते तब तक यह आंदोलन जारी रखने की बात कही। The one who stayed fasting, that is my father, and he have been 11 days by this today. He is not eating at all. Even he is not eating, we cannot also cannot eat. We are suffering. How much we are suffering, our people. We also human being. We want to live if peacefully as other like other kids. We are not Indian or what. We need place. To stay a comfortable place. We don't want money. We want place. We want district council. Halang mi pada maya ke chula Mizoram ta maya. Maha maya ke district council maya ke. Mula mai chaya ye to ye ta na ya chini bruja ti ba. Bini sa kawa isa na sa ikro ye. Muna pai ikro ye kam ke tere chini bruja ti ba. दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं होगा जहां अपने ही देश के लोग एक राज्य से निष्कासित होकर दूसरे राज्य में शरणार्थी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी मांगे भी क्या थी? अपने ही देश के संवैधानिक अधिकारों के तहत ब्रू जनजातियों के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और हर वह संवैधानिक अधिकार जो भारत के हर नागरिक को प्राप्त है। 21 वर्षों से यह ब्रू जनजातियों के साथ कैसी नाइंसाफी? यह लोग म्यांमार के रोहिंग्या भी नहीं और ना ही बांग्लादेश से आए बांग्लादेशी। 21 साल के बाद आज भी ताजा है ब्रू जनजाति के वे जख्म जिनको अपना सब कुछ छोड़कर रातों रात शरणार्थी बनकर आना पड़ा त्रिपुरा में। आज भी उन्हीं मांगों को लेकर कहीं भूख हड़ताल है तो कहीं रैलियां। इन्हीं सब माध्यमों से अपनी आवाज उठा रहे हैं ब्रू जनजाति ताकि उन्हें भी अन्य भारतीयों जैसा संवैधानिक अधिकार मिले। 21 सालों के सुविधाओं से वंचित पीड़ित मिजोरम से निष्कासित किए गए ब्रू जनजातियों को उनका उचित न्याय मिले ताकि उन्हें अंधकारमय जीवन से निजात मिले। कोई रोहिंग्याओं को आश्रय देकर समस्त सुविधाएं मुहैया कराते हैं तो कोई बांग्लादेशियों को पनाह देकर संवैधानिक अधिकारों का मुहैया करवाने की मांग करता है। ब्रू जनजाति तो स्वयं भारतीय परिवार का ही एक अभिन्न अंश है तो उनके साथ गैरों जैसा सुलूक क्यों? यह मसला सुलझ के भी अनसुलझा है। कौन है इसका जिम्मेदार और कितने दिनों तक इस आग को जलना है? आखिर कब बुझेगी यह आग? क्या भारत सरकार, मिजोरम सरकार और त्रिपुरा सरकार इस आग को बुझाने में कामयाब होगी?